दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि वर्डप्रेस में मिनी प्रोजेक्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और बेसिक्स को मिलाकर हम एक प्रोजेक्ट बनाए थे, मिनी प्रोजेक्ट, जो कि 2 आवर्स के अराउंड का दो पार्ट मिला के हुआ था। तो अगर आप दो पार्ट को अच्छे से करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो आप वर्डप्रेस में एक मिनी प्रोजेक्ट ई कॉमर्स की आराम से बना सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो आपका सपोर्ट मिल रहा है, आपके जो कमेंट्स और व्यू मिल रहे हैं, वो मेरे काफ़ी हद तक मेरे को इंस्पायर कर रहे हैं आगे की वीडियो बनाने के लिए। और आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ यही है कि मुझे कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि एक यूज विजिटर का कमेंट है हमारे पास कि अगर मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है वर्डप्रेस में, तो उसका क्या स्कोप है? अगर मैं 1 साल तक किसी कंपनी में वर्क कर चुका हूँ, तो आगे मेरा फ्यूचर क्या है? उसका कोई स्कोप है या नहीं? तो मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप 1 साल तक किसी भी कंपनी में वर्डप्रेस पे काम किए हुए हैं और आपको अच्छी नॉलेज है, तो डेफिनेटली आपका स्कोप अच्छा है, आप अच्छे पैकेज पे जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके लिए आपको जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बताया हैं पीछे, वर्डप्रेस के जितने भी ट्यूटोरियल हैं, अगर उन पे कमांड है तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कुछ पार्ट्स में बताना चाहूँगा, जैसे आपको चाइल्ड थीम बनाने आनी चाहिए। जैसे कि आप किसी कस्टमाइजेशन वर्क करते हैं वर्डप्रेस के किसी थीम में, तो हमेशा चाइल्ड थीम बनाकर ही करना हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि कल को अगर थीम अपडेट होता है तो आपका जो भी कस्टमाइजेशन वर्क है वो आपका सेफ रहे। दूसरा चीज़ है, अगर किसी थीम पे आप काम कर रहे हैं तो आपको कस्टम टेम्पलेट बनाने आना चाहिए। अगर आपको जैसे किस थीम का टेम्पलेट चेंज करना हो या डिज़ाइन चेंज करना हो, तो आप खुद का टेम्पलेट बना सकें और उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तीसरी चीज़ है CSS की। अगर आप CSS कहीं भी लिख रहे हैं वर्डप्रेस की साइट में, तो कैसे लिखना है जिससे कि अगर थीम अपडेट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आपका CSS रिमूव ना हो, या फिर JS लिखना हो तो कैसे, एक वे में, किस वे में लिखेंगे या कैसे लिखेंगे, जैसे कि मैंने प्लगइन का यूज़ करके बताया था, तो आप उसको यूज़ करें ताकि आपका कल को थीम अपडेट होता है या कोई चेंजेज होते हैं थीम में, तो आपका जो भी कस्टमाइजेशन वर्क है वो रिमूव ना हो। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप की। तो दोस्तों, अगर NCR की बात माने, सिर्फ NCR की बात करें हम, तो अगर मैं एक बेसिक आइडिया लेके चल रहा हूँ, अगर 1,000 कंपनियाँ हैं IT सेक्टर की, तो उसमें 700 सात तो लगभग 700 कंपनियाँ वर्डप्रेस पे डील करती हैं, मतलब वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट पे काम करता है। क्योंकि वर्डप्रेस का काम करने का मेन पर्पज़ ये है कि वर्डप्रेस एक तो यूज़र फ्रेंडली है, दूसरा एक CMS है जिसमें आप अपने कंटेंट इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर एक नॉन टेक्निकल पर्सन भी है, वो भी किसी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकता है, अगर कंटेंट अपडेट की बात करें तो। और मैं बात करूँ US या फिर फॉरेन कंट्री की, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्डप्रेस प्रीफर करते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस में उनको अपने कंटेंट को मैनेज करना या फिर थोड़ी बहुत डिज़ाइन का मैनेज करना, जैसे प्रोडक्ट, अगर ई कॉमर्स की बात करें तो प्रोडक्ट अपलोड करना, डिलीट करना, उसको मैनेज करना उनके लिए बहुत ईजी होता है। वर्डप्रेस में कंटेंट मैनेज करना उनके लिए बहुत ईजी होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्डप्रेस को ही प्रीफर करते हैं। और इसलिए वर्डप्रेस की जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट होते हैं वो बाहर के होते हैं, जिसपे अच्छे पैसे आते हैं, अच्छे कॉस्टिंग आती हैं, तो कंपनियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ वर्डप्रेस पे डील करती हैं। और मैं अगर आपको बात करूँ, एक जैसे कि प्लेटफॉर्म है, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप प्रोजेक्ट जैसे होते हैं फ्रीलांसर प्रोजेक्ट, जैसे एक अपवर्क की बात करूँ जो इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। अपवर्क पे मोस्टली प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो आते हैं डेली बेसिस पे वर्डप्रेस पे आते हैं, जिसपे लगभग अगर एक वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट आता है तो 100 से 200 कंपनियाँ उस पर अपना मतलब प्रपोजल सेंड करती हैं, ताकि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो जितने भी वर्डप्रेस प्रोजेक्ट हैं वो उसको उठा सकें। तो मैं आपको एक वर्क का दिखाना चाहता हूँ, इसमें आपको मैं दिखाऊंगी कैसे कंपनियाँ और कितने प्रोजेक्ट डेली बेसिस पे आते हैं वर्डप्रेस पे। सो चलते हैं सिस्टम की तरफ। तो दोस्तों, हम अपने सिस्टम पे आ चुके हैं और आपको मैं यहाँ पे अपवर्क की साइट मैंने ओपन कर रखी है, जिसमें आप यहाँ पे देखोगे ऑप्शन है, दो ऑप्शन होता है, एक फ्रीलांसर सर्च करने, वो अपने लिए फ्रीलांसर या जिसके पास काम है, जिसके पास प्रोजेक्ट है वो फ्रीलांसर सर्च करता है, और जो फ्रीलांसर है वो जॉब सर्च करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या है, जॉब की देख रहे हैं। अगर एक वर्डप्रेस की बात करें तो हम ये देखना चाहते हैं कि वर्डप्रेस पे डेली बेसिस पे कितने प्रोजेक्ट आते हैं। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ वर्डप्रेस और रिफ्रेश करते हैं, मतलब इंटर करते हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पे 7,377 जॉब यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि फाउंड हुए हैं क्राइटेरिया में। ठीक है, अब ये न्यूएस्ट के आधार पे यहाँ पे सॉर्टिंग भी हुए, जो सबसे
मतलब लेटेस्ट है। आप इसको चेक करें तो यहाँ पे आप देखो वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है जिसमें रिक्वायरमेंट यहाँ पे की स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है वर्डप्रेस की है, जिसमें आवरली जॉब है ये जो लेस देन 10 आवर्स पर वीक। आवरली का मीन्स कि 1 घंटे का कितना चार्ज वो पे करेंगे आपको, यहाँ पे दिख रहा है आवरली जॉब पे। दो तरीके के होते हैं जॉब, एक तो आवरली होता है, एक फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड में आपका प्राइस फिक्स होता है कि अगर $100 का प्रोजेक्ट है $100 ही मिलेगा, चाहे वो काम 10 दिन में आप कंप्लीट करो 20 दिन में काम कंप्लीट करो। दूसरा होता है आवरली, जिसमें आपको पर आवर के हिसाब से चार्जेज होते हैं। अगर आपने 8 घंटे काम किए, आपके चार्जेज 10 आवर हैं, तो आपके 80 मतलब 8 के हिसाब से $80 आपके बन गए, ठीक है। इस तरह से चार्जेज आवरली में होते हैं। अब फिक्स में तो आपको पता ही, मेन फिक्स है चाहे आप 10 दिन में करें, तो आवरली में हमें ज़्यादा बेनिफिट होता है क्योंकि जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट जितने दिन आपका चलता है उतना ज़्यादा आपकी इनकम होती है, ठीक है। तो आप एक यहाँ पे देखें वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे डॉट नेट के साथ भी वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट आ रही है। किसी डॉट नेट का प्रोजेक्ट है उसमें भी कोई CMS का वर्क होगा तो वहाँ भी वर्डप्रेस की रिक्वायरमेंट आई है। SEO में वर्डप्रेस की है, वर्डप्रेस की साइट हो, किसी यूजर्स की मान लीजिए वर्डप्रेस की साइट होगी, उसको उसका SEO कराना है तो वहाँ पे भी एक वर्डप्रेस डेवलपर की ज़रूरत होगी जो उसके कंटेंट को मैनेज करे, उसके जो मेटा टैग्स हैं, एनालिटिक्स है, उसको मैनेज करे यहाँ पे। और आप देखोगे लुकिंग फॉर वर्डप्रेस, मतलब टोटल भी यहाँ पे मैं कहूँ कि डेली बेसिस की बात करूँ, जैसे आप यहाँ देखो लेस देन 1 वीक की बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोजेक्ट की लेंथ, यहाँ पे लेस देन 1 वीक में कितने प्रोजेक्ट आए हुए हैं। तो ये देखिए लेस देन 1 वीक की बात करें तो 871 प्रोजेक्ट जो होते हैं यहाँ पे शो हो रहा है वो 1 वीक के अंदर अपवर्क पे पोस्ट हुआ है। ये तो सिर्फ अपवर्क की बात मैं कर रहा हूँ, और भी सारे वेबसाइट्स हैं जैसे guru.com है, पीपुल पर आवर्स है, इस टाइप के काफ़ी सारे मतलब फ्रीलांसर पोर्टल हैं, freelancer.com, जिस पे आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि अगर 1 वीक में 871 तो लगभग अराउंड मान के चले 900 प्रोजेक्ट भी आते हैं, तो आप सोचो अगर 1 वीक का 900 मतलब कि आप डेली बेसिस पे 100 प्रोजेक्ट से ऊपर मान सकते हैं, डेली बेसिस पे 100 प्रोजेक्ट मतलब कि अपवर्क पे सिर्फ पोस्ट होते हैं। अगर और मिलाकर बात करें और भी साइट्स जो फ्रीलांसर की है उन सबको लेकर अगर कैलकुलेट करेंगे तो लगभग हजारों प्रोजेक्ट आते हैं डेली बेसिस पे, जिसपे काफ़ी सारी कंपनियां वर्क करती हैं, जिसमें आप ये देख सकते हो 3605 जो है आवरली बेसिस पे जॉब है और 3700 कुछ जो है फिक्स प्राइस पे है जॉब यहाँ पे आ रही है। कंट्री देख लो यूनाइटेड स्टेट, सिर्फ ये सिर्फ एक कंट्री की बात हो रही है, सिर्फ एक कंट्री से इतने सारे जॉब आ रहे हैं, तो सोचो बाहर कितनी सारी कंट्रियाँ हैं, कितने सारे जॉब आते होंगे डेली बेसिस पे सिर्फ वर्डप्रेस की बात करूँ तो। अगर आप PHP की नॉलेज है तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ वेब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कोर पे भी काम है, वर्डप्रेस पे भी आते होंगे, यहाँ वर्डप्रेस है, आप C# पे भी, एंगुलर JS पे भी है, काफ़ी सारे मतलब जो जितने भी CMS हैं उन सब पे भी आते रहते हैं, बट हम एक अभी जो है वर्डप्रेस की बात लेके चल रहे हैं। तो वर्डप्रेस में ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे, इन चीज़ों को आप एक बार व्यू करके देखेंगे अपवर्क पे, अगर आप देखना चाहते हैं, अगर अच्छी नॉलेज है तो आप इस पे अकाउंट बना के आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं यहाँ से। इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको किसी कंपनी की ही हेल्प से आपको पैसे कमाने हैं, अगर आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपको इतना कमांड है कि आप पर्टिकुलर अकेले हैंडल कर सकते हो वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट को, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अकाउंट बना के फ्रीलांस के अपवर्क पे अपना फ्रीलांस अकाउंट बना के आप डायरेक्टली भी यहाँ से प्रोजेक्ट उठा सकते हो। बहुत सारी कंपनियाँ ये काम कर रही हैं आराम से, बहुत सारी कंपनियाँ भी कर रही हैं और बहुत सारे फ्रीलांसर भी हैं जो इंडिविजुअली वर्क करते हैं किसी भी वर्डप्रेस के प्रोजेक्ट पे, और इसी अकाउंट मतलब वर्कवर्क में अकाउंट बनाकर वो बीड करते हैं, उस पर बीडिंग करते हैं और वहाँ से प्रोजेक्ट उठाकर जितना कम बजट में हो सके उतना उठाकर और उस पर काम करते हैं, और वो किसी कंपनी की हेल्प नहीं लेते, खुद से करते हैं। ये तो रही वर्डप्रेस की प्रोजेक्ट की बात, और मैं आपको तो स्कोप में मतलब रिक्वायरमेंट की, अब आते हैं naukri.com पे, जहाँ पे काफ़ी सारे जॉब पोस्ट होते हैं मतलब कि रिक्वायरमेंट होती है डेवलपर की। तो आप देखो यहाँ पे भी मैंने वर्डप्रेस फाइंड किया है, सिर्फ दिल्ली NCR में मैंने फाइंड किया है वर्डप्रेस की डेवलपर की रिक्वायरमेंट की, जो कि दिल्ली NCR में कितनी है, तो मैं आपको एक बार सर्च करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ मैं दिल्ली, खाली एक दिल्ली NCR में रिक्वायरमेंट आप देखो कितने आ रहे हैं आपको, 481 यहाँ पे आपको देख रहे हो कि यहाँ पे रिजल्ट दिख रहे हैं 481 मतलब पोस्ट, मतलब ऐसे कंपनियाँ हैं 481 जो कि वर्डप्रेस डेवलपर की रिक्वायरमेंट है जिनके पास, जहाँ पे वर्डप्रेस पे काम है। तो आप ऐसा ना सोचो कि अगर आपके पास नॉलेज है वर्डप्रेस में तो आपका स्कोप नहीं है, आपका बहुत अच्छा स्कोप है, अगर आप अच्छा करते हो,
अच्छी नॉलेज रखते हो, अच्छा और गेन करते हो, तो डेफिनेटली आपके स्कोप को कोई नहीं रोक सकता है वो सब। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके नॉलेज पे डिपेंड करती है, कितना अच्छा नॉलेज आप करते हो और कितना ज़्यादा आप ग्रोथ कर पाते हो अपने स्किल्स के बिहाफ पे। तो मेरा आज वीडियो बनाने का बस यही पर्पज़ है कि मैं आपको, जो भी आप ऐसा सोचते हैं कि वर्डप्रेस पे कोई स्कोप नहीं है, कुछ खास नहीं है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस पे बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है, बहुत अच्छे, मतलब ये करो CMS में वो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस इस समय माना जा रहा है। काफ़ी है CMS, ऐसा नहीं है कि CMS की कमी है, काफ़ी सारे CMS है, मैजेंटो है, आप देख लो ड्रूपल पे भी काम होता है, वर्डप्रेस तो है ही एक, और जैसे शॉपिफाई हो गया, ये भी एक तरह का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ही है जिसपे आप काम कर सकते हो। और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट जो होंगे उस पर शॉपिफाई पे ही स्टार्ट करूँ। तो चलते हैं, देखते हैं। तो बस मैं यही बताना चाहता था, और प्लीज़ आप होपलेस ना हो वर्डप्रेस में अगर आप काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको वर्डप्रेस आता है तो आपका फिर आगे कोई स्कोप नहीं है सिर्फ वर्डप्रेस में। आपका ये मानना बिल्कुल गलत है, आप करते रहिए वर्डप्रेस पे, सीखते रहिए जितना से ज़्यादा आप सीख सकते हो, और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोप कर जाओगे। तो आपने देखा अपवर्क पे कितने सारे डेली बेसिस पे प्रोजेक्ट आते हैं जो कि वर्डप्रेस पे होते हैं, तो आपको होपलेस होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपने Naukri.com पे भी देखा कि कितनी सारी वर्डप्रेस डेवलपर की रिक्वायरमेंट डेली बेसिस पे निकलती है। तो प्लीज़ आप होपलेस मत हो और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं ताकि आपको एक अच्छा पैकेज मिलने में कोई रोक ना सके। ठीक है दोस्तों, और मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने मुझे लाइक और कमेंट्स के थ्रू इंस्पायर किया है ताकि मैं और भी नए टेक्नोलॉजी पर नए वीडियो बना सकूं। और मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट वीडियो होंगे वो शॉपिफाई पे स्टार्ट हो। और जैसा कि मैं बताना चाहूंगा कि शॉपिफाई आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म नहीं है, 14 दिन का आपको ट्रायल मिलता है, ट्रायल के बाद आपको परचेज करने पड़ते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि 14 वीडियो के अंदर ही मैं इस चीज़ को कवर कर सकूँ, शॉपिफाई में कैसे बनाते हैं ई कॉमर्स की वेबसाइट और कैसे उसके कस्टमाइजेशन करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मैं, अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और कमेंट करें।